वेलकम बैक गाइस। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने एक जो इससे पहले की वीडियो है उसको एंड किया था, बस अभी जस्ट दूसरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए रात का, और जो रात का जो यहाँ पर नज़ारा है उसको कैप्चर करेंगे इसमें व्लॉग में, और जो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है उसे भी कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है अभी यहाँ पर। रात को इस तरह का दिखता है ये होटल जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि कल जो था हम लोग लेट पहुँचे थे यहाँ पर, तो थकान बहुत हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी हम लोग यहाँ से पैदल निकलेंगे एक्सप्लोर करते करते शाम का इवनिंग का टाइम। तो ये दाई पहुँच चुके हैं जो कल हम लोग को लेके गए थे होटल में। तो भाई इसमें बैठ जाऊँ? बताइए संजय, बैग देखियो। हाँ बैग मैंने देखियो। गाइस ये है चितवन की लोकल मार्केट। देख सकते हो। तो यहाँ पर आज हम अभी बैठने वाले हैं डिनर के लिए। सर मैं जिंदाई की बात कर रहा था उनसे, अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सर अभी भी अरेंजमेंट करवा रहे हैं हमारा कल का प्रोग्राम जो है छोटा सा, चलते चलते तीन जना एउटा है, वही बात चल रही है कि एउटा रूम भयो रहने का या फिर घूमने का कैसे होगा घर में, बात चल रही है। गाइस जिनकी मैं बात कर रहा था वो है ये सूर्य, ये है सूर्या दाई। तो ये यही लोकल के ही हैं और नेतागिरी भी करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, क्योंकि हमारा जो जंगल सफारी से लेके और जो कुछ भी है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं होटल वोटल, तो सारा अरेंज इन्होंने ही किया। तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि एक बार आप नैनीताल आ जाओ तो वहाँ पर मैं आपका गाइड बन जाऊँगा। तो अभी ये मतलब एक कह सकते हैं कि गाइड की तरह ही पूरा काम अरेंजमेंट करते रहे हमारा। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा कैप्चर करेंगे जो
यहाँ के लोकल मार्केट है, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, तो वहाँ पर ही आप लोग से फिर दोबारा मुलाकात होगी। और एक तो कैमरे के अंदर घुस गई है पूरी। यार अभी मिलते हैं रेस्टोरेंट में सीधे आपसे। तो ये वाली बियर पी थी हमने अभी। तो यार काउंटर में एक भैया बैठे हैं, उन्होंने ये सारी पेंटिंग तुझे बनाई हुई है। सर अभी जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है हम लोग को लोकल खाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग ऑर्डर करके आते हैं अभी, और फिर हम लोग लोकल जो यहाँ का मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। यार देख सकते हो मार्केट बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है यहाँ पर रात को घूमने में। जल्दी आ जा। मस्त है ना मार्केट, है मज़ा आ रहा ना घूमने में। लोकल खाना मिल जाए तो लोकल खाना हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो बस उसी की खोज में लगे हैं हम लोग यहाँ पर अभी। इस रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे जस्ट थोड़ा सा आगे आगे, ये एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर लोकल खाना अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अंकल जी को भी पता चल चुका है कि व्लॉग बन रहा है, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। यार वेज में कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं अपने लिए, लेकिन मिल नहीं रहा कुछ। यार 5 मिनट हो गया पूरा, पूरा बस इंक्वायरी हो रही है। यार अभी हो गया करीब करीब 10 मिनट, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। चिकन त्यो गर्नु अनि एउटा यसो गरौँ न त, त्यही त्यो आटाको रोटी होइन तपाईँ पनि खाने होइन त्यो त्यो पनि सेयर गरौँ न। त्यसो गरौँ न हामी तिनजना छौँ भन्दै हामी तिनजना सेयर गरौँ अलिअलि सबैजना। अब तिमी के मगाउँछु? मैले बिरयानी बनाएँ माछा अनि चिकन टिक्का बिरयानी सबै सेयर गरेर टेङ्गरा माछा यो टेङ्गरा हो, त्यो चाहिँ प्योर लोकल हो टेङ्गरा, यो चाहिँ तपाईँको इयो इयो कि गोइरा इयो गोइरा चाख्नु चाख्नु खाके टेस्ट गरेर राम्रो हुन्छ कि गोइरा त्यही हो गोइरा खानु न कपाई हाल्नु न एउटा मात्रै पनि छ हो त्यही भए राम्रो हुन्छ कि यो झोल त राम्रो हुँदैन ठिक्कको ग्रेभी खानु नि रोटी खानु पर्यो त हाम्रो खारो स्टाइलले बनाउने हो कि हो खानु स्टाइलले बनाउने हो हजुर हाम्रो आफ्नै पारा ल ल थारोले घुङ्गे मात्रै हामीले मिसाएर बनाइदिन्छ हैन हैन थारो स्टाइलले हुन्छ हुन्छ पुरा लोकल एकदम ना थारो स्टाइलले बनाइदिन्छ। तो यार मैं चाह रहा था कि जो यहाँ का लोकल आइटम है थारो स्पेशल आइटम, तो इसमें से कुछ ऑर्डर करूँ, लेकिन सारा ही नॉनवेज है। तो यार वेज आइटम कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर अभी, जो थारो स्टाइल मैं चाह रहा था, जो लोकल जो फूड है यहाँ पर उसके स्टाइल में। तो पूरे पूरे 15 मिनट लग गए ऑर्डर प्लेस करते हुए कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जैसे ही हमारा खाना आता है फिर आपको एक बार और भाई। ये है यहाँ की गौरी माछा, मतलब माछा मीन्स मछली, तो इसके साथ चटनी भी दी गई है। कैसा आ रहा मैडम पेट? बढ़िया है। तो ये यहाँ का थारू स्टाइल में बनाया गया है, मेरी फेवरेट मच्छी है ये तो नेपाल नहीं पहुँचा। तो यार आग जली हुई है, पूरा टिकटॉक वायरल वाला देख सकते हो।
आसमान खुला है, उसके नीचे हम लोग बैठे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। खाते खाते एक पानीपुरी वाले के ऊपर नज़र पड़ी है हमें, तो यहाँ पर पानीपुरी खाते हैं अभी हमें देखना नहीं उधर। तो अभी हम लोग पानीपुरी खाएंगे सबसे पहले। रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं और बगल में ही चटपट एंड पानीपुरी पसंद है, तो ये देख सकते हो आप, टिकटॉक वायरल चंदन चटपट एंड पानीपुरी पसंद। कैसा हो रहा है? बढ़िया। कैसे खट्टा मीठा है या फिर क्या डाल रखा है? मुझे तो पानी पूरी खट्टा मीठा अच्छा लगता है, तो ये इसमें डाला हुआ देखता हूँ। बहुत ही जबरदस्त, सही में नाम सही लिखा है इन्होंने, टिकटॉक वायरल। ये हैं हमारे भैया जिन्होंने पानी पूरी खिलाई हम लोग को अभी जी, टिकटॉक वायरल चंदन चटपट। चंदन चटपट जी मिल गया मेरे राम प्रति बहुत। कैसा लगा बता? बढ़िया था ना, मस्त था ना। मैं लास्ट में खा रहा हूँ। यार मेरा तो वेज बिरयानी आ गया है अभी, और ये देख सकते हो ये क्या है, दाल, ये है दाल, और ये बिरयानी नॉन वेज है ना, हाँ नॉन वेज, ये बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, अंडा भी तो है इसमें, अंडा भी है, तो ये देख सकते हो आप। ये क्या ले रहे हो आप? ये चिकन टिक्का, चिकन टिक्का। यार पीछे हमारी तंदूरी रोटी भी बन रही है भाई, अभी तीन रोटी तो आ चुकी है हमारी। यार डिनर हम लोग का फिनिश हो चुका है, और मेरे चश्मे में आप देख रहे होंगे आग की लपटे, तो ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास आग जली हुई है, और मज़ा आ रहा है यहाँ पर। यार डिनर वगैरह हो चुका है हमारा, अब निकलने की तैयारी है रूम पे। और क्या लोग संडे मो उतार जाना पड़ेगा कोहली मालिक के लिए। हम लोग दाई को कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ, लेकिन चल नहीं रहे हैं। नहीं मैं बोली बोली तो पोर्टुगल का फर्क चल रहा है, हमारा प्रोग्राम है पोखरा जाने का, इनको हम लोग बोल रहे हैं चलो करके, लेकिन जा नहीं रहे हैं हमारे साथ। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10, और आप देख सकते हो होटल हम पहुंच चुके हैं, तो डिनर विनर हो चुका था हमारा, थोड़ी देर बैठे थे आग वाग सेक रहे थे, और सूर्यादाई जो हैं वो अभी घर की वो निकल चुके हैं, तो अब हम भी रूम पे जाने वाले हैं और रेस्ट करने वाले हैं। आज बहुत थकान हो चुकी है आज, क्योंकि सफारी भी था और उसके बाद फिर थोड़ा घूम फिर भी लिए। तो यार मुझे वीडियो बीच में ही कट करनी पड़ी, क्योंकि लाइटिंग बहुत कम थी वहाँ पर, कुछ दिखाई नहीं रहा था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रूम पे, और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, मज़ा आया बहुत ज़्यादा यहाँ पर।
तो बस ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, अभी इस वीडियो में बस इतना ही, अब करते हैं हम रेस्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।